ये दतिंगरा गांव का प्राथमिक विद्यालय है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये विद्यालय के अंदर ही ये 11000 वोल्ट का ये खंभा यहाँ लगा हुआ है और तार यहीं से जा रहा है निकल करके। कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हैं यहाँ उनके लिए बहुत बड़ा खतरे का सबब बन सकता है और भी तमाम सारी दिक्कतें हैं इस भैया ये बताइए, ये तो वोल्ट का यार कहीं ना कहीं जो इतना 11000 वोल्ट का तार जा रहा है तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बहुत बड़ा भैया, अभी 2-3 महीना पहले यहाँ भैंस एक मर गई है इसी लाइट से। और भैया ये 33000 जा रहा है छत के ऊपर। कहाँ 33000, जरा इधर देख लेते हैं जरा, कि बता रहे हैं कि 33000 वोल्ट का भी जो तार है वो जा रहा है। कहाँ ये जा रहा है यार? भैया 33000, और ये पेड़ों में आधा आंधी वांधी आती है तो लग जाता है तो बहुत तेजी से जलने लगता है। अच्छा, ये आंधी आ जाती है तो बहुत तेजी से जलने, बहुत तेजी से पूरे गांव में रोशनी कर देता है ये। अच्छा, इसको भैया यहाँ से हटवा दीजिए। अच्छा, तो ये देख सकते हैं लोग कह रहे हैं कि इसको हटवा दिया जाए क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है। जब इस गाँव में बताते हैं कि इधर जब आंधी तूफान कुछ आता है तो जो पेड़ से अगर टकराता है तो पूरा इसमें चिंगारी लग जाती है, आग लग जाता है। प्राथमिक विद्यालय में हम हैं, कुछ टीचरें भी हैं क्योंकि सरकारी काम है और बुलाया जा रहा है और अपने काम पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने काम में व्यस्त हैं। इनसे भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए, आपके विद्यालय परिसर में 11000 वोल्ट का तार गया हुआ है, ऊपर से 33000 का जा रहा है, कोई अधिकारी ने इसमें संज्ञान पे लिया इस बात को कि नहीं लिया? किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। नहीं, हमको डर लगता है। आपको डर लगता है? ये भी खतरा है, बच्चों के लिए बहुत खतरा है यहाँ जी। क्यों भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा खतरा है जी। जी जरूर, एक तो 33000 वोल्टेज की है पावर, बाई चांस तूफान उफान नहीं हो गिर रही लेकिन तूफान से भी गिर सकती है। ये अंदर वाला कैंपस तो एक बार आए थे, वो कह रहे थे कि देखो हम करवा देंगे बाहर, बाउंड्री के बाहर। कौन आया था? वो इस विद्युत विभाग के लोग थे, कर्मचारी जो थे। अच्छा। लेकिन ध्यान नहीं दिए विशेषकर इस बीच में, बाद में। अच्छा, बाकी खतरा तो है, स्टे भी लगा हुआ है तो बच्चे खेलते छूते कहीं हिल मिल जाए, खतरा तो भारी है। भूकंप आया था तो खंभा हिला था, पूरा स्कूल हिला था, हिल रहा था। हाँ, तो ये बताइए बच्चे यहाँ जाते होंगे, मानते तो होंगे नहीं तार? नहीं, बच्चे तो खेलते हैं, हम मना करते हैं तभी नहीं मानते, बच्चे तो बच्चे हैं। अच्छा, तो इसको लेकर के कुछ शिकायत की किसी ने? नहीं की आप लोगों में से? हमने तो शिकायत करी है पर कोई सुने तो नहीं। नहीं, देख सकते हैं और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, इन लोगों का कहना है कि हमने शिकायत भी की है पर कोई सुनवाई नहीं होती, जैसे कि तमाम सारे जो मामले हैं कागजों में दबा दिए जाते हैं। बहरहाल बहुत बड़ा खतरा, और इस खतरे के पीछे अगर किसी भी तरह की दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदारान कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, इस पर तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल हम आगे भी जाएंगे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जेएमडी खबर, लखनऊ।